गाइस, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो लौट के आ गया कोबरा आप सभी के डिमांड पर। हमेशा की तरह वीडियो में गिव अवे अवेलेबल है। अगर आपको भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो सिंपली वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद कमेंट बताओ कि वीडियो में क्या कमी है या क्या अच्छा है। अगर आपका कमेंट मुझे अच्छा लगता है तो आप जीत सकते हैं 110 डायमंड्स। तो जाओ वीडियो देखो, कमेंट करके बताओ कुछ अच्छा लगा क्या। देखो कोबरा, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो, समझ सकते हो। बरमूडा में तुम्हारी तबाही को देखने के बाद भी मैंने तुम्हें बनाने का डिसीजन लिया है। प्लीज, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरे डिसीजन को गलत मत होने देना कोबरा। और वैसे भी अब मैं तुम्हारे प्रोग्रामिंग के बहुत करीब हूँ। हे पेड़ सरकार, करो कुछ चमत्कार कि हमारी गर्लफ्रेंड आगे से आके हमें को दे दे उपहार। एक मिनट, ई का देख रहे हम, ई साला सन्नी यहाँ नाच गाना काय कर रहा है बे। अबे उर्वर का कर रहे हो वहाँ? का हमको बोल रहे हो जय भाई, नीचे आओ फिर बताते हैं। अच्छा ठीक है, तुम रुको बे, हम आ रहे हैं। ना जाने किस बात पे नाच रहा है बुड़बक, साला परीक्षा में तो फेल हो गया है, घर में मार भी पड़ी होगी उसको, फिर भी नाच रहा है। अरे एक मिनट, ये हम क्या देख रहे हैं? पापा किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? ऐसा लगता है हमने इसे पहले भी देखा है। याद आया, ये तो कोबरा है। पापा, अरे क्या हो गया जय बेटा, तुम इतने जोर से क्यों चिल्लाए? चिल्लाने के लिए माफी चाहेंगे पापा, पर हम इसे देख के हड़बड़ा गए थे। ये तो वही विनाशकारी कोबरा है ना पापा? हाँ बेटा, ये वही है, पर अब ये विनाशकारी नहीं है, मैंने इसे पूरी तरीके से बदल दिया है बेटा। अच्छा, और वैसे भी हमने सुना था पापा कि नीले रंग का कोबरा अच्छा था, लाल वाला बुरा था, और ये तो नीले वाला है ना? नहीं बेटा, यही वो विनाशकारी लाल कोबरा है, बस मैंने इसके प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजेस किए हैं, इसलिए ये नीला दिख रहा है। आओ तुम्हें असली नीले कोबरे से मिलाता हूँ। हम ऊपर जा रहे हैं, पर ऊपर तो कुछ भी नहीं था पापा। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप फ्री में लेट पास ले सकते हो। ऐप का नाम है प्रोबो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको सिंपली से डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ अपना नंबर फिल कर देना है, जिससे आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा और वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद नंबर आता है रेफर कोड का, जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, उसे फिल करते ही आपको 25 रुपए बोनस भी मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि सच में बहुत ईजी होंगे। जैसे यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है क्या हमें गेम के अंदर नए मोड देखने को मिलने वाले हैं, तो इसका जवाब बिल्कुल है, हाँ मिलने वाला है। तो इसी तरह आप भी जीत जाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपको बहुत किस्म के क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आप अपना जनरल नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। और हाँ, जीते हुए पैसे भी आप बहुत आसानी से अपने बैंक में विड्रॉल कर सकते हो। तो देरी किस बात की है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ जाके डाउनलोड करो। अरे ये क्या, ये कहाँ से आया पापा? ये रहता यही है, बस हर वक्त दिखाई नहीं देता बेटा। और जो मैंने लाल कोबरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, अगर वो गलत हुआ तब ये हमें बचाएगा उससे। अच्छा, पर हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है पापा, आपका एक्सपेरिमेंट गलत नहीं हो सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता है बेटा। चलिए पापा, आप काम कीजिए, हम थोड़ा खेल के आते हैं, हमारा दोस्त इंतजार कर रहा है नीचे, चल के देखे तो सही आखिर किस बात पे नाच रहा था वो बुड़बक। अबे अभी भी नाच रहा है साला। अबे वो बेशरम, कहे नाच रहे हो बे? भाई वो का है ना, आज हम सुबह सुबह बाजार गए थे। हाँ तो भाई हम ना हुआ तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखे। अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बे? अरे पूरी बात सुन तो लो भाई, हमारा मतलब ये है कि वो भी हमको देखी और देख के हंसे भी, इसका मतलब अब तुम्हारा पता कट गया भाई। अच्छा, साले रात को तुम अकेले मुतले तो जा नहीं सकते और हमारा पत्ता काटने चले हो, साले तुम्हारे टट्टी जैसे मुंह को देख के हंसी होगी वो। वैसे बात तो तुम्हारी सही है भाई, चलो आओ डिस्कशन करते हैं, उसके बाद डिसीजन भी कर लेंगे। बस बॉस, यही है उस साइंटिस्ट का घर, साले ने हमें कोबरा देने से मना कर दिया, हमने उसे मुंह मांगी कीमत देने तक का ऑफर दिया था बॉस, पर उसने मुंह पे मना कर दिया। अबे इसीलिए तो आया हूँ मैं, पता लगाया है मैंने उस साले साइंटिस्ट के बारे में, साला देशभक्त है, देश की सेवा के लिए बना रहा है उसे, पर वो कोबरा उस काम के लिए है ही नहीं, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल मैं करूँगा, चला जा। अरे बॉस वो रहा, ये है साला साइंटिस्ट, इसी ने मना किया था हमें, और ये है कोबरा बॉस। अरे आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, आप लोग चले जाइए यहाँ से। अबे चुप कर बूढ़े, हम जाने के लिए नहीं ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने के लिए? कहीं आप कोबरा की बात तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप कोबरा के लिए आए हैं तो चले जाइए, इस वक्त इसकी प्रोग्रामिंग अधूरी है, अगर अभी इसे छेड़ा गया तो वो खतरनाक होगा। अबे साइंटिस्ट तू ज्यादा ज्ञान मत फेल, चुपचाप ये कोबरा हमें दे दे, वरना आज का दिन तेरे लिए खतरनाक होगा। देखिए आप जो भी हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए, इस वक्त कोबरा की प्रोग्रामिंग अधूरी है, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और आपके लिए भी।
लगता है मेरी बातें तुझे समझ नहीं आ रही है साइंटिस्ट, तुझे ठीक से समझाना पड़ेगा। देखिए समझने की जरूरत इस वक्त आपको है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसकी प्रोग्रामिंग इस वक्त अधूरी है, अगर आप इस वक्त छेड़खानी करेंगे तो ये आपके जान पे भी आ सकता है। क्या बोला, मेरी जान पे? अबे सेठी नाम है मेरा, किसी ओबरा कोबरा से डरता, और रही बात तेरी तो तू तो गया बेटा। मैं अभी भी आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप लोग दूर हो जाओ इससे, ये ठीक नहीं है, ये बहुत तबाही मचाएगा। अच्छा मैं भी तो देखूं कितनी तबाही मचाएगा ये। अबे वैसे ये नीला क्यों दिख रहा है, तू तो लाल बोला था ना। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ बॉस, तबाही मचाने वाला तो लाल था ना। अरे बाप रे, अबे ये सब क्या तमाशा है बे, ये साला तो अभी नीला था अब लाल कैसे हो गया बे। समझ तो अपुन को भी नहीं आ रहा बॉस, पर अपुन को कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसे पकड़ के निकल लेते हैं। नहीं ये अभी भी पूरे नियंत्रण में नहीं है, ये तुम्हारी हर बात मानेगा, इसे मार डालो अभी भी वक्त है। तू चुप कर बूढ़े, ये तो चलता फिरता लॉटरी की टिकट है, इसके बदले बहुत पैसे मिलेंगे हमें, चल बे आ जा हमारे साथ। अरे नहीं रुक जाओ, बात मानो मेरी, अभी भी वक्त है, डिस्ट्रॉय कर दो उसे, अगर एक बार वो नियंत्रण में आ गया तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे सो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमसे पड़ जाए और तुम्हारा चड्डी जाए खो। अबे गजब पजामा आदमी हो बे तुम, तुम ना साले बुड़वा को बुड़वा की रहोगे, हमें ना साला तुमसे बात ही नहीं करनी, हम जा रहे हैं घर, तुम रहो बे अकेले। अरे रुको भाई, अभी तो और भी बाकी है। पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये पगला के चक्कर में रहेंगे तो हम भी पगला जाएंगे। अरे ये क्या पापा, पापा ये क्या हो गया पापा आपको? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम घबराओ नहीं और मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ जो विनाशकारी कोबरा था उसे कुछ लोग जबरदस्ती ले गए हैं, अगर कल को वो तबाही मचाता है तो ऊपर जो नीला कोबरा है तुम उसे खुद में आने की अनुमति दे देना बेटा। अरे नहीं, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते पापा, पापा लौट आइए पापा। अबे बिलवा ये हमारी बातें मान तो रहा है पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अबे अभी अब ये क्या कर रहा है ये? पता नहीं बॉस, पर अब ज्यादा डर तो मुझे लग रहा है, आपको साइंटिस्ट की बातें याद है, अगर एक बार ये नियंत्रण में आ गया फिर इसे संभालना मुश्किल होगा बॉस। अबे तू इतना क्यों डरता है, थोड़ी देर में पॉलगेट्री से लोग आ जाएंगे इसे लेने, उसके बाद हम हो जाएंगे माला माल और ये साला उनकी टेंशन। चल तब तक चल के पार्टी करते हैं, उनके आने का इंतजार करते हैं, आ जा। इंतजार तो मैंने किया है उस नीले कोबरा के मौत का जिसने मुझे मौत दी थी, और जब तक मैं ये तबाही को अंजाम न दे दूं मैं रुकूंगा नहीं। अरे ये क्या बॉस, ये अजीब सी आवाजें कैसी है, कहीं वो कोबरा नियंत्रण में तो नहीं आ रहा ना बॉस? अबे क्या बे कलवा, तू तो एकदम फट्टू निकला बे, उस साले सेंट्रिस की बात सुन के तू तो अंदर तक हिल गया, इतना क्या डर है बे तुझे, वो साला कोबरा मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं चाहूँ तो उसे अभी कभी मसल दूँ। अच्छा तो अब तू मसलेगा मुझे, चल मसलना। बॉस देख लो ये आपके लालच के नतीजा है बॉस, न आप लालच करते और न ये हमारे घर आता। अबे हाँ बे, लगता है वो साला साइंटिस्ट ठीक ही कह रहा था। कौन क्या बोला इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तू मुझे मसलने की बातें कर रहा था ना, तो चल मसलना। अबे नहीं नहीं वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। तो ये देख सही में अब ये मौत का सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो नीला कोबरा मुझे मिल नहीं जाता। जय भाई खुद को संभालो यार, चल के खाना खा लो। नहीं भाई मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है, और पापा के बिना मैं कैसे खा सकता हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है भाई। क्या बात है इंस्पेक्टर, ये सब देख के क्या लगता है तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब हमें जितनी सबूत मिली है उसे देख के तो मुझे लगता है कि इन सबके पीछे सेट्टी का हाथ है, और बच्चा बता रहा है कि एक कोबरा भी गायब है। भाई फिक्र मत कर यार, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। बेटा जरा हमारी बात सुनो, हमें तुमसे कुछ जानना था। जी जी पुलिस अंकल कहिए। देखो बेटा तुम्हारे पापा को मारने वाला सेट्टी ही है, पर प्रॉब्लम की बात ये है कि थोड़ी देर पहले ही हमें सेट्टी की डेड बॉडी भी मिली है। पुलिस अंकल पापा कह रहे थे कि कोबरा भी बहुत खतरनाक है, कहिए काम उसी का होगा तो। कोबरा है क्या मजाक है बेटा, कोबरा सिर्फ तुम जैसे बच्चों का मन बहलाने के लिए कहानी है और कुछ नहीं, उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो बेटा,
हम पता लगा रहे हैं, तुम्हारे पापा के हत्यारे को जल्दी पकड़ लेंगे। जी ठीक है पुलिस अंकल, पर एक बात, मेरे पापा झूठे नहीं थे। अरे इंस्पेक्टर साहब मान लीजिए, अगर इस बच्चे की बात सही निकली तो। क्या मजाक है इंस्पेक्टर, कोबरा से बच्चों का मन बनाने के लिए बनाई गई कहानी है। एक काम करो, आज रात तुम यहीं रुको, मुझे मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है। जी ठीक है इंस्पेक्टर साहब। चलो ठीक है इंस्पेक्टर, सुबह मुलाकात होगी। गलत कहते हैं इंस्पेक्टर अंकल, मेरे पापा झूठे नहीं हो सकते। अगर मेरे पापा ने इस कोबरा के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तो कुछ तो रहा होगा ना, और मुझे नहीं लगता कि इन सबके पीछे कोई और है। मुझे पूरा यकीन है कि इनके पीछे कोबरा ही है। पर अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ तो बताइए पापा। हम ऊपर जा रहे हैं पर ऊपर तो कुछ भी नहीं था पापा। अरे ये क्या, ये कहाँ से आया पापा? ये रहता यही है, बस हर वक्त दिखाई नहीं देता बेटा। और जो मैंने लाल कोबरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, अगर वो गलत हुआ तब ये हमें बचाएगा उससे। हाँ याद आया, पापा ने बताया था कि नीला कोबरा हमेशा यही रहता है, बस दिखाई नहीं देता। पर मैं उसे बुलाऊंगा कैसे? इसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, जब ये दुनिया खतरे में होगी और लाल कोबरा तबाही की ओर कदम बढ़ाएगा तब तुम इसे आवाज देना, ये खुद तुम में समाएगा बेटा। कोबरा, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है, सिवाय एक बात कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। कोबरा की जरूरत तब आएगा जब बुरा इंसान बुराई मचाएगा, और तब उसे रोकने ये कोबरा आएगा।